गुड इवनिंग क्लास 11। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक वाटर की। वाटर आपको सबको पता है, वाटर का फॉर्मूला H2O, सारी चीजें आपने पढ़ी हुई ऑलरेडी वाटर में, ना केवल फॉर्मेलिटी है। टॉपिक बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है टॉपिक में, रिएक्शन आपकी पढ़ी हुई है सारी क्लास 10th में। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक पे आता हूँ। देखिए वाटर क्या है, H2O इज लिक्विड और सॉलिड इन आइस फॉर्म। वाटर जो लिक्विड स्टेट में होता है या आइस जो सॉलिड स्टेट में होती है वो क्यों होती है? ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाटर लिक्विड क्यों है, आइस सॉलिड क्यों है? तो आपको बोलना है वाटर इज लिक्विड और आइस इज सॉलिड ड्यू टू दी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। होता क्या है, यहां देखिए आप, ये वाटर का मॉलिक्यूल, ये लोन पेयर, ये अनदर वाटर का मॉलिक्यूल, ये इसके लोन पेयर। तो ऑक्सीजन क्या करता है, वन वाटर के मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन अनदर वाटर के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करता है, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं। एंड ड्यू टू दिस रीजन आपका वाटर लिक्विड स्टेट में होता है और आइस के फॉर्म में सॉलिड स्टेट में होता है। एंड सेकेंड पॉइंट, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से। क्यों? क्योंकि आपको इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको हीट एनर्जी रिक्वायर होती है। जब भी हम किसी लिक्विड को वेपर में चेंज करते हैं तो उसका मतलब क्या है, आप उस मॉलिक्यूल को दूर दूर लेकर जा रहे हो। यहां एक पॉइंट ध्यान रखना बेटा, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है मॉलिक्यूल को दूर दूर लेके जाना। हमने मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक नहीं करा है। मैंने अभी आपसे ये नहीं बोला है कि हीट करने पर यह बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। हमने बॉन्ड ब्रेक नहीं करा, हमने करा क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर लेकर जाना। क्योंकि हीट करोगे आप वाटर को तो वाटर किसमें चेंज होगा, वेपर में, और वेपर में चेंज होने का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स आर मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो मॉलिक्यूल्स को दूर लेकर जाने के लिए हमें ज्यादा हीट लगानी पड़ती है। क्यों लगानी पड़ती है, बिकॉज वाटर के मॉलिक्यूल्स आर अटैच विद हाइड्रोजन बॉन्ड। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आगे, वाटर कीप अवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। वाटर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखता है बिकॉज इसकी हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। आपने देखा होगा कई बार मूवीज वगैरह में इंजन्स वगैरह गर्म हो जाने पर हम उसमें कूलेंट में वाटर डालते हैं, वाटर का यूज करते हैं, या किसी भी चीज में फायर बर्न हो जाने पर हम कोल्ड वाटर डालते हैं। तो वाटर की जो कैपेसिटी होती है हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। एंड नेक्स्ट बाकी सिंपल है, इन वाटर ऑक्सीजन इज सराउंडेड बाय OH ग्रुप इन टेट्राहेड्रल पैटर्न। आपको पता है ये टेट्राहेड्रल पैटर्न क्यों बोला मैंने, बिकॉज वाटर का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है आपका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, एंड नेक्स्ट, आइस हैज लो डेंसिटी, दैट्स व्हाई इट फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस की डेंसिटी कम होती है, कम क्यों होती है आइस की डेंसिटी, बिकॉज आइस में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं थोड़े से दूर दूर अरेंज होते हैं, एंड बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ आइस लॉट ऑफ वैकेंट स्पेस प्रेजेंट, एंड ड्यू टू दिस रीजन आइस शो लेस डेंसिटी, सो आइस फ्लोट ऑन वाटर। तो 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, 1, 2, और मेरे हिसाब से ये बन सकता है, ये तो नॉर्मल है ना। तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता भी थी क्योंकि वाटर में कुछ ऐसा खास है नहीं। आगे देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस। देखिए बेटा, वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिए बहुत सिंपल सी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट रिएक्शन देखिए आप वाटर की, वाटर शो एम्फोटेरिक बिहेवियर, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, अगर बोर्ड प्रैक्टिकल में आपसे कोई पूछता है कि वाटर का नेचर कैसा होता है इन अ केमिकल रिएक्शन, अगर नॉर्मली पूछता है वाटर का नेचर कैसा होता है बिना केमिकल रिएक्शन के, तो आप बोलना न्यूट्रल होता है। अगर आपसे पूछता है वाटर का नेचर कैसा होता है इन केमिकल रिएक्शन, तो वाटर कैन शो बोथ द नेचर एसिडिक एज वेल एज बेसिक। तो एम्फोटेरिक जानते हो आप, 10th का पढ़ा हुआ है, ऐसे केमिकल जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एम्फोटेरिक केमिकल या एम्फोटेरिक बिहेवियर। सही, कैसे करता है, अब इमेजिन करो ये वाटर की रिएक्शन आपने करा HCl से। HCl क्या है, एसिड है। ओके, अब HCl अगर एसिड है तो यहां बनता है क्या, H3O+ और ये Cl- क्लियर।
HCl ने क्या करा, अपना H+ आयन दिया वाटर को, और आपने पढ़ा था आपने किसमें, ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट में, एसिड वो होते हैं जो H+ आयन देते हैं, बेस वो होते हैं जो H+ आयन लेते हैं। तो आपको अगर ये एसिड है तो इसको कैसा बिहेव करना पड़ेगा, बेस के जैसा। क्यों करा इसने बिहेव बेस के जैसा, बिकॉज HCl गेव H+ आयन टू दी H2O। अब दूसरा रिएक्शन देखो, ये H2O और आपने रिएक्शन करा अमोनिया के साथ, लॉन पेयर है अमोनिया। लुईस थ्योरी क्या बोलती है, जिसके सेंट्रल एटम पर लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड लुईस बेस। याद करिए, और अगर ये बेस होगा तो इसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। सीधी सी बात ये है, अगर एक केमिकल का नेचर बेस जैसा है तो उसके सामने दूसरे केमिकल का नेचर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एसिडिक हो जाएगा। तो H2O क्या करेगा, इसको देगा H+ और क्या बना लेगा, ये बना लेगा NH4+ और ये OH-। तो अगर ये बेस है तो इसका नेचर कैसा हो गया, एसिड के जैसा। तो मुझे बताना है आपको कि रिएक्शन टू रिएक्शन वाटर का नेचर बदलता है। कुछ रिएक्शन में वाटर का नेचर एसिडिक है, कुछ रिएक्शंस में वाटर का नेचर बेसिक है, और जब वाटर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है तब उसका नेचर क्या है, न्यूट्रल है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। दूसरी चीज, वाटर शो ऑटो पायरोलिसिस और सेल्फ आयोनाइजेशन। वाटर कभी, वाटर जो है, अगर आपने प्योर वाटर लिया कंटेनर में, और आपसे अगर मैं 10th क्लास में पूछता इज प्योर वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप बोलोगे नो। बट मैं अगर 11th में पूछता हूं इज प्योर वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको बोलना है लिटिल बिट फीबल। तो फीबल क्यों बोलना है, क्योंकि आपको मैंने इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था कि वाटर का अगर 1 लीटर है तो उसमें 10^-7 H+ आयन और 10^-7 OH- आयन प्रेजेंट होते हैं 298 केल्विन पर। याद करिए आप, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW निकाला था आपने वहां। तो वही चीज ये बोल रहा है कि सम टाइम वाटर शो सेल्फ आयोनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं ऑटो पायरोलिसिस। यहां भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय ऑटो पायरोलिसिस, तो आपको बोलना है वाटर शो सम टाइम सेल्फ आयोनाइजेशन। इन दिस केस वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बिहेव्स लाइक एसिड एंड अदर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बिहेव्स लाइक बेस। वाटर का वन मॉलिक्यूल एसिड की तरह बिहेव करता है और दूसरा मॉलिक्यूल बेस की तरह। तो अगर ये एसिड है तो क्या देगा, ये H+ आयन रिलीज करेगा, सही है। ये एसिड है तो क्या बन जाएगा, OH-, तो यहाँ क्या बन जाएगा, H3O+। ये इसका सेल्फ आयोनाइजेशन है ना, क्लियर है। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, आप आराम से परफॉर्म कर सकते हो। बस ये सारी रिएक्शन आपके 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बेस है, ये एसिड है, ये बेस है, वो एसिड है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। रिएक्शन तो आप वैसे भी कर लोगे, मैंने भी पढ़ा था तो भी आप कर लेते हैं, लेकिन उसमें जो हिडन कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे ये देखिए आप, वाटर इज रिड्यूस्ड बाय रिएक्टिव मेटल इनटू H2 गैस। मतलब अगर आपकी हाई रिएक्टिव मेटल है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और इतना ही ले लीजिए, बहुत सारी यहाँ से, अगर इन मेटल्स पे रिएक्शन कराओ वाटर के साथ, तो मैं एक रिएक्शन करके दिखा रहा हूँ आपको। सोडियम का देख लीजिए आप, Mg करेगा तो क्या बन जाएगा, MgOH2, 10th की रिएक्शन है ना, तो क्या बनता है, ये बनता है NaOH2, बैलेंस अपने आप कर लेना। अब यहाँ से देखो, सोडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, 0। क्लियर, समझ लो, वाटर में एच की क्या है, +1 और ओ की स्टेट क्या है, -2। अब यहां देखो, सोडियम की स्टेट क्या है, यहां +1 और हाइड्रोजन की क्या है, यहां 0। मतलब क्या है, सोडियम इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, रिलीज इलेक्ट्रॉन, क्लियर। और इलेक्ट्रॉन के रिलीज करने को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और गेन कौन कर रहा है,
गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, प्लस वन से गया जीरो में, तो मतलब आप क्या बोलोगे, गेन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के गेन को क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन। तो आप क्या बोलोगे, इन दिस रिएक्शन मेटल रिलीज इलेक्ट्रॉन एंड शो द पॉजिटिव वैलेंसी एंड हाइड्रोजन गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म प्लस वन टू जीरो, एंड इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन गेन इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, एंड दिस इज अ रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये रिएक्शन आप जिससे मर्जी आ करके देखो बता दीजिए, वैसे इतना डेप्थ में पूछेगा नहीं आपसे जितना मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब वो ज़्यादा ही डेप्थ में बता रहा हूँ चीज़ें आपको। जैसे यहाँ देखिए, वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एफ टू, अब देखो ये वाटर की रिएक्शन, रिएक्शन करा मैंने फ्लोरीन से, अब नॉर्मली हम पढ़ना चाहें तो ये है रिएक्शन, आप बोलोगे कितनी सिंपल रिएक्शन है सर, एच एफ अलग हो गया, ओ टू अलग हो गया, बैलेंस वैलेंस कर लेंगे हम, है ना। अब देखिए, लेकिन जो छुपी हुई चीज़ है वो क्या है, फ्लोरीन न्यूट्रल है, ये स्टेट जीरो, यह स्टेट क्या होगी, माइनस वन, क्लियर। एच यहाँ भी प्लस वन है, यहाँ भी प्लस वन है, तो जिसकी वैलेंसी यहाँ और यहाँ सेम है उसको छोड़ दो, ओ देखो यहाँ माइनस टू और ओ क्या है यहाँ जीरो, तो आपने क्या कराया, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन करा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन, फ्लोरीन का रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसका हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो क्या बोलता है ये, फ्लोरीन वाटर का करता है ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से आपका वाटर O2 में चेंज होता है। बोलने में तो मैं टेंथ के लेवल पे ही बोल सकता हूँ कि वाटर ने हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन है, लेकिन 11 12 में आप आ गए हो, बेटर है प्लस माइनस के बेस पर बोलो, वैलेंसी के बेस पर बोलो, वही आपके 12th में काम आएगा। तो ये है केमिकल रिएक्शंस आपकी वाटर की। आगे देखते हैं कुछ और केमिकल रिएक्शंस। देखिए बेटा, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस देखिए वाटर की, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन और सेकंड है और आपकी हाइड्रेट्स फॉर्मेशन। तो थर्ड देखिए आप, सबसे पहले थर्ड रिएक्शन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये, वाटर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर में आप जो भी चीज डालोगे वो चीज डिजोल्व हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर क्या स्टोन डिजोल्व हो सकता है, मैं बोलूंगा यस, बट दिस विल टेक टाइम। अब ऐसा नहीं है कि वो फटाफट डिजोल्व हो जाएगा, हो सकता है वो बहुत टाइम ले, मे बी टेक फ्यू ईयर्स, मे बी टेक 200 ईयर, 1000 ईयर, 5000 ईयर, वॉट एवर टाइम, बट वाटर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए बोलते हैं, वाटर कैन डिजोल्व एनीथिंग। अब क्यों डिजोल्व कर सकता है, उसके पीछे रीजन है, वाटर के मॉलिक्यूल की हाई पोलैरिटी होती है, दिस इज अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एंड एक्सट्रीमली हाई पोलर कोवलेंट बॉन्ड, प्लस एच डेल्टा, ओ माइनस डेल्टा, एच प्लस डेल्टा, इसीलिए वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू दी हाई पोलैरिटी इट डिजॉल्व्स मेनी आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड, सो वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्लियर। एंड वाटर रिएक्ट विद डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड एंड शो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, आपको कैसा आएगा एग्जाम में लिखा हुआ, ऐसे लिखा रहेगा, आपसे बोलेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ये पर जब भी आएगा ना आपका, जब ये चैप्टर आने वाला होगा, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन लिख देंगे और आप बोलेंगे कंप्लीट करिए केमिकल रिएक्शन को। अब पी फोर ओ टेन, इसको टू टाइप से लिख सकता है वो, या तो लिख देगा पी फोर ओ टेन, या लिख सकता है इसको पी टू ओ फाइव, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, जनरली इसी फॉर्म को देता है, लेकिन उसकी मर्जी ये भी दे सकता है आपको। तो P2O5 या H2O जब भी रिएक्शन करेगा वाटर से, ये बनाता है H3PO4, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, ये ध्यान रखना, ये मत भूलना, ये बैलेंस वैलेंस करना फिर हमारे हाथ में, आप इजीली बैलेंस कर सकते हो, जैसे मुझे बैलेंस करना है ये P4O10 को, जैसे मैंने लिया ये, तो मैं लगा दूंगा यहाँ 6H2O, P4 है यहाँ लगा दूंगा मैं 4, तो काउंट कर लो 6 2 12, 4 3 12, P आपका 4 हो ही गया, ये ऑक्सीजन 10 और 6 16, P
ये फोर फोर सिक्स में फॉस्फोरिक एसिड है ना। दूसरा SiCl4 प्लस H2O। अब क्लोरीन की वैलेंसी क्या है? -1। Si की वैलेंसी क्या है? +4। H की वैलेंसी क्या है? +1। O की वैलेंसी क्या है? -2। तो प्लस से जोड़ो O को तो क्या बन जाएगा? SiO2। +4 और -2 है ना, SiO2 बन जाएगा। और Cl- से H+ को जोड़ दो क्या बन जाएगा? HCl। ठीक है, N-3H2O। समझो H2O को थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगा HOH के फॉर्म में। H की वैलेंसी क्या है? +1। तो -3 से +1 जोड़ोगे आप तो क्या बन जाएगा? NH3। नाइन्थ क्लास के मेथड है ये सब। कैसे पता लगा? अभी बताना तो नहीं चाहिए, मतलब करता हूँ थोड़ा आपको। ये +1 तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है? NH3। नाइन भी बढ़ाते थे आपको ऐसे ही है, फॉर्मला बनाना है ना। तो क्या बन गया? NH3 और साथ में क्या बना? ओके, तो इस तरह से रिएक्शन करना। अब जैसे देखो NH3 की रिएक्शन करी आपने वाटर से, तो थ्री रिएक्शन लिखी हुई है, मैं ये करके रखता हूँ। NH3 करोगे वाटर से तो क्या बन जाएगा? NH4OH। क्लियर। Mg3N2 की करके देखो, यहाँ मैं अलग से करके दिखा देता हूँ। Mg3N2 प्लस HOH, प्लस माइनस पहचानना है, कुछ नहीं करना है। देखो Mg की वैलेंसी क्या है? +2। N की क्या होती है? -3। H की +1। O की क्या होती है? -2। तो +2 से किसको जोड़ोगे? माइनस को, और यहाँ के माइनस को जोड़ोगे प्लस से। तो Mg+2 और -2 क्या हो जाएगा? MgO। क्लियर, MgO बन गया ये। और एन और एच मिल के क्या बना देंगे? NH3। क्लियर है, सिंपल है रिएक्शंस। प्लस को जोड़ना है माइनस से, माइनस को जोड़ना है प्लस से, दैट्स ऑल, कुछ नहीं करना है। जैसे यहां देखो Ca3N2 प्लस HOH। देखो Ca की वैलेंसी +2, N की -3, H की +1, O की -2। तो ये अपने आप करना, N को अटैच करना H से, +1 है तो क्यों, चलो मैं ही कर देता हूँ। क्या बन जाएगा? NH3। O का माइनस है और Ca का +2 है, क्या बन जाएगा? CaO। बैलेंस वैलेंस आप करना अपने आप, है ना। तो कोई बड़ा काम नहीं है इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस। थोड़ी ट्रिक अगर पता हो 9th-10th की, इजीली रिएक्शंस कर सकते हैं। आपको ये बोले मुझे फॉर्मूला बनाना ही नहीं आता, तो वो एक अलग मैटर है, उसके लिए फिर अलग प्लानिंग है पूरी करने के लिए, है ना। ना नहीं आता हो तो फोन कर देना मुझे, वो भी देख लूंगा मैं। देखिए हाइड्रेट फॉर्मेशन क्या बोलता है? वाटर फॉर्म हाइड्रेटेड सॉल्ट, ये बढ़ा था आपने 10th क्लास में Chapter 2 में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, याद करो वही चीज है। तो वाटर क्या करता है? वाटर फॉर्म हाइड्रेटेड सॉल्ट इन विच वाटर इज अटैच्ड थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर क्या करता है? दूसरे केमिकल के साथ या एटम के साथ या आयन के साथ या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के अटैच होता है या एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच होता है। एग्जाम्पल CuSO4.5H2 आ गया होगा यार, FeSO4.7H2 ये 10th के पड़े हुए, ये CuH2O6 +2 ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये हाइड्रेट फॉर्मेशन है, मतलब वाटर अगर किसी कंपाउंड में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में प्रेजेंट हो या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं हम हाइड्रेट्स फॉर्मेशन। क्लियर है। तो ये सारी थी आपकी वाटर की केमिकल रिएक्शन। नाउ वी मूव्स टू अवर मेन टॉपिक ऑफ दिस लेसन, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए बेटा, आपका इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर क्या है? क्लास 10th में पढ़ा है आपने, ऐसा वाटर जो सोप के साथ लेदर फॉर्म नहीं करता है इज कॉल्ड हार्ड वाटर, और ऐसा वाटर जो सोप के साथ लेदर फॉर्म करता है इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। अब 10th में थी ओनली डेफिनेशन, बट यहाँ है इसको पूरा डिटेल, हार्ड वाटर क्यों हार्ड होता है, हार्ड वाटर को कैसे हम सॉफ्ट वाटर में चेंज कर सकते हैं। सपोज आप गाँव गए और
आप 11th क्लास के स्टूडेंट से ही हैं और आपसे गांव वालों ने पूछा कि भाई आप साइंस पढ़ते हो, कोई टेक्निक बता दो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करने की, हमें बहुत प्रॉब्लम है यहाँ, वी आर नॉट एबल टू वॉश क्लोथ्स प्रॉपरली, वी आर नॉट एबल टू बाथ प्रॉपरली, और आप बोले वहाँ जाकर कि मुझे तो पता नहीं, तो बोले गाँव वाले हंसेंगे, या कोई अनपढ़ इंसान होगा वो हंसेगा, ऐसी पढ़ाई किस काम की कि हमें केमिस्ट्री का यूज़ पता ना हो। तो सुन लो, यहाँ यहाँ बताऊँगा हाउ कैन वी कन्वर्ट हार्ड वाटर इन सॉफ्ट वाटर, यू मे अप्लाई दिस मैथड एट योर होम ऑल्सो। देखिए, तो पहले तो वो जो डेफिनेशन है आपकी पुरानी टेंथ की वही है, हार्ड वाटर क्या है, वाटर विच डज नॉट गिव लेदर विच सोप इज कॉल्ड हार्ड वाटर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन है 11th का, वॉट मेक्स वाटर हार्ड, ऐसी क्या चीज है जो वाटर को हार्ड बनाती है, क्लियर, क्या चीज है ऐसी, क्लोराइड्स, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगर किसी वाटर में कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सॉल्ट प्रेजेंट हो, दीज सॉल्ट्स मेक्स द वाटर हार्ड। सॉफ्ट वाटर क्या है, उसका अपोजिट, ऐसा वाटर जो सोप के साथ लेदर फॉर्म करता है, एंड जिस वाटर में ये सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। क्लियर है, तो ये तो बात हुई डेफिनेशन की। एंड पॉइंट टू, क्या होगा अगर हम हार्ड वाटर में सोप का यूज करें, ये पता लग गया आपको वाटर हार्ड, कैसे पता लगाओगे, सोप को रब करिए वाटर के साथ, इफ सोप इज नॉट क्रिएटिंग लेदर एट ऑल, मतलब आपका वाटर हार्ड है, फिर भी दिल नहीं माना आपका कि मैं तो हार्ड वाटर से ही नहाऊंगा, मुझे तो कपड़े भी हार्ड वाटर से ही धोने हैं, तो क्या होगा वो देखो, है ना। सो व्हाट हैपन व्हेन वी यूज सोप इन हार्ड वाटर, तो ये सोप का फॉर्मूला है, इसका नाम है, बड़ा पॉपुलर नेम है ये, सोडियम स्टीरिएट C17H35CW-Na+, 10 पे भी चाहिए सोप का फॉर्मूला। अगर आपने सोप को यूज करा हार्ड वाटर में, अब आप बोलोगे हार्ड वाटर में एच पूरी क्यों नहीं लिया सर, भैया हमें हार्ड वाटर के उस रीजन से मतलब है कि वो वाटर हार्ड क्यों है और हमें उससे काम है, वाटर से काम नहीं है हमें। तो व्हेन वी अप्लाई सोप इन हार्ड वाटर, तो सोप क्या करता है, यहां से अपने Na+ को निकालता है, और किसी भी एक को ले लो, जैसे मैंने लिया कैल्शियम, कैल्शियम क्या करता है, इस Na को हटाकर खुद यहां अटैच हो जाता है, और क्या बनाता है, ये C17H35CW- होल ट्वाइस Ca। अब बोलोगे टू क्यों लगाया, क्योंकि इसकी वैलेंसी माइनस वन है, तो यहां मैं टू लगा देता हूं, है ना, और अलग हो जाता है आपका Na+। क्लियर, इसको बोलते हैं स्कम, ये ग्लू जैसा मास होता है, स्कम पढ़ा होगा आपने, स्कम क्लास टेंथ में हार्ड वाटर में चिपचिपा, ए ग्लूई ग्लूई मास फॉर्म विच मेक्स द क्लोथ डल, विच मेक्स द हेयर हार्ड, दैट इज कॉल्ड स्कम। प्रॉब्लम क्या है, अगर आप सॉप वाटर में यूज करते हैं तो सॉप का मॉलिक्यूल यहां से लोगों का, ये जो वाला मॉलिक्यूल है सॉप का, वो क्या करता, डर्ट के साथ जाकर अटैच होता और मिसल फॉर्म करता, लेकिन हार्ड वाटर में क्या होता है, मिसल फॉर्म होने से पहले ही ये जो विलेन है आपके Ca2+ और Mg2+, वो क्या करते हैं, सोप के मॉलिक्यूल को ब्लॉक कर देते हैं, और ब्लॉक करने की वजह से सोप कैन नॉट परफॉर्म इट्स प्रॉपर एक्शन, एंड दिस कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉल्ड स्कम, दिस इज लाइक अ ग्लू विच मेक्स वाटर सॉरी विच मेक्स क्लोथ सरफेस वेरी डर्टी अनक्लीन, If you take bath with such a kind of hard water, it makes your hair hard, and due to the hardness of water, hard water we cannot use in industrial purpose also, because the hard water is very very harmful for industrial machines. So, ये question 101% पूछेगा, मुझे chance लगता है इसका कि ये आ सकता है कि why does सोप नॉट वर्क इन हार्ड वाटर, सोप हार्ड वाटर में वर्क क्यों नहीं करता है, तो आपको लिखना है बिकॉज सोप इज ब्लॉक्ड बाय Ca+2 एंड Mg2+ आयन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है ना, आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन आता है हम हार्ड और वाटर को सॉफ्ट में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये हमारे काम का पॉइंट है, देखते हैं। ये देखिए बेटा,
टू टाइप की वाटर की हार्डनेस होती है, फर्स्ट होती है टेम्परेरी हार्डनेस एंड सेकंड होती है परमानेंट हार्डनेस। सही है, तो आज हम केवल डिस्कस करेंगे टेम्परेरी हार्डनेस को। देखिए ध्यान से, अब टेम्परेरी हार्डनेस होती किस केमिकल से, सबसे मेन चीज है रीजन समझना है केमिस्ट्री में आपको कि कौन सा केमिकल है विच मेक्स द वाटर टेम्परेरी हार्ड। टेम्परेरी हार्डनेस होती है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट से। तो बाइकार्बोनेट की जो हार्डनेस होती है वाटर में, डेट इज अ टेम्परेरी। और सबसे सिंपल तरीका है, इसको बॉइल कर लीजिए वाटर को। अब इवन आप कोटा का पानी ले लीजिए, आप अगर स्पेशल एरिया में रहते हैं, आप अगर तलमंडी एरिया में कहीं भी रहते हो कोटा में, वन ग्लास आपका हाफ ऑफ ग्लास वाटर लीजिए, उस वाटर को बॉइल करना स्टार्ट करिए और तब तक बॉइल करिए जब तक वो इवेपोरेट ना हो जाए। इवेपोरेट होने के बाद देखना वाटर के इनसाइड अगर वाइट कलर का ज़्यादा लेयर एमिट होता है, मतलब वहाँ का वाटर हार्ड है, और हल्का फुल्का वाइट कलर का इम्प्रेशन अटैच होता है, मीन्स वाटर इज सो और ओके। और बिल्कुल कोई वाइट कलर का इम्प्रेशन अटैच ना हो इनर वॉल पर, मतलब वो वाटर परफेक्ट है। तो देखिए, तो अगर वाटर में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हो, देन वी कैन कॉल वाटर इज टेम्परेरी हार्ड। एंड टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय सिंपल बॉइलिंग और एनी अदर फिजिकल मैथड। एंड परमानेंट हार्डनेस इज रिमूव्ड बाय केमिकल मैथड्स। तो ये पढ़ेंगे अगले टाइम पर, बहुत डिटेल में है ये। तो देखिए आप, नंबर वन, रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस, क्लियर। फर्स्ट मैथड है बाय बॉइलिंग और सेकेंड मैथड है आपका क्लार्क्स मैथड। अब बॉइलिंग में क्या करना है, आपको हार्ड वाटर लेना है, हार्ड वाटर एक केमिकल है, आपको हार्ड वाटर को बॉइल करना है। तो जैसे ही आप बॉइल करोगे, ये ऐसे ब्रेक होगा बॉन्ड यहाँ से CaCO3। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये बनता है CaCO3 और ये सॉलिड होता है, तो ये होता है बॉटम पर सेट। बोला था ना अपने हार्ड वाटर को बॉइल करने पर कुछ ना कुछ एमिट होगा, वो यही एमिट होता है वाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट। एंड क्या बनता है H2CO3, तो क्या होगा ये H2O+CO2 में चेंज। अगर दिक्कत है तो आप एक साथ भी लिख सकते हो H2CO3, बट ऐसे लिखोगे ज्यादा बेटर है, यही मेंशन है ना। तो करते क्या है, तो कॉन्सेप्ट सुनिए, व्हेन वी बॉइल हार्ड वाटर देन कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म इन सॉलिड स्टेट, इट्स सेटल एट द बॉटम। नाउ वी फिल्टर दिस वाटर, देन वी ऑब्टेन सॉफ्ट वाटर विच कैन बी यूज फॉर अदर पर्पजेज। या फिर दूसरा तरीका ये, जब आप बॉइल कर लें वाटर को, तो बॉइल करने के बाद उसको रख दीजिए थोड़ी देर, तो जितने भी सॉल्ट्स वगैरह हैं कैल्शियम कार्बोनेट एंड ऑल द सॉल्ट, वो क्या होंगे, बॉटम पर सेटल हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा टिल्ट करके डिकेंटेशन से आप ऊपर ऊपर के वाटर को निकाल लीजिए। सो दिस विल बी योर सॉफ्ट वाटर, सबसे बेस्ट सबसे बढ़िया तरीका हार्ड वाटर को सॉफ्ट में चेंज करने का। तो मैंने कैल्शियम बाइकार्बोनेट को चेंज करके दिखाया आपको, ये रिएक्शन आपको करनी है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की, आपको कंप्लीट करनी है ना। सेकेंड मेथड है क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड में हम क्या करते हैं, हार्ड वाटर में हम डालते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं लाइम वाटर बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं सिलेक्ट लाइम, याद करिए क्लास 10th। तो इन हार्ड वाटर वी एड लाइम वाटर और सिलेक्ट लाइम, फिर वही करना हमें वही है, यहां से कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा, ओके यहां से ये CO3 फॉर्म हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्या बन जाएगा 2CaCO3+, साथ में HH और क्या बन जाएगा 2H2O। वही कहानी है, ये बॉटम पर सेटल हो जाएगा, फिल्टर कर लीजिए एंड ऑब्टेन सॉफ्ट वाटर। ये अपने आप करके दिखाना, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्लस CaOH बन गया इसको। तो ये टू मेथड्स थे आपके हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करने के, फर्स्ट मेथड है बाय सिंपल बॉइलिंग और सेकंड मेथड है क्लार्क्स मेथड। सबसे ज़्यादा क्लार्क्स मेथड पूछते हैं एग्जामिनेशन में, तो इसकी तैयारी करना है ना। तो आज के लिए सफिशियंट है, थैंक यू।